के आयांस की तकलीफें बढ़ गई है और देख सकते हैं बच्चा रो रहा है। काफ़ी गर्मी है दिल्ली में, मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी गर्मी है। इस अवस्था में नेहा सिंह चलकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आई हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और मैं हूँ देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठा हुआ हूँ और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आयांस और आयांस की माँ नेहा सिंह है जो प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए आई हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। इसी दौरान एक शख्स हैं जो मदद करने के लिए सामने आए हैं, इन्हीं से जानते हैं। नाम क्या हुआ आपका? एसके सिंह। क्या करते हैं आप? सचिवालय में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हम काम करते हैं, असिस्टेंट हैं। क्या हुआ जो आयांस को मदद करने के लिए आप चले आएँ? हम लोग मीडिया में बहुत दिनों से देख रहे हैं आयांस के बारे में, तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते हैं और फंडिंग करने के भी सोच भी रहे थे, तो आज इधर से टहल रहे थे तो सामने आ गए, तो हम लोग पहचान लिए, फिर मिले इनसे, फिर हम लोग कुछ जो आर्थिक मदद हुआ थोड़ा किए हम लोगों ने। और लोगों से गुहार लगाना चाहेंगे क्योंकि मदद बहुत लंबा है, अभी तक लगभग 7 करोड़ 3 लाख तक ही पैसा पहुंचा है, 16 करोड़ रुपया की राशि तक पहुंचाना है। हम लोग सभी मित्रों से जो हमारे संपर्क में हैं सभी को मोटिवेट करेंगे कि जो हो सके अपना फंडिंग करें, इसमें हम लोग हेल्प करेंगे। अच्छा, आप तो बच्चे को मिले भी देख रहे हैं, बच्चा तकलीफ़ में है कि नहीं? जी जी हाँ, बच्चे तो बहुत तकलीफ़ में है। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि बच्चे बीमार नहीं है, ऐसे में टाइफाइड की बीमारी नहीं हुई है, आप तो खुद देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, इस बच्चे को बीमारी है कि नहीं? बच्चों को बीमारी है और जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उन पर ध्यान न दे करके, जो पॉजिटिव लोग हैं उन पर ध्यान दे करके उनसे फंडिंग कराया जाए। कुछ लोग होते हैं जो हर काम में टांगा रहते हैं, उनको उनका बात सुनना नहीं, उन पर ध्यान नहीं देना है। जी हाँ, लगातार मैं भी कह रहा हूँ कि आयांस की तकलीफ़ें बढ़ गई है और देख सकते हैं बच्चा रो रहा है। काफ़ी गर्मी है दिल्ली में, मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी गर्मी है। इस अवस्था में नेहा सिंह चलकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आई हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला है और कुछ उम्मीद की किरणें नहीं दिख रही है कि आयांस से प्रधानमंत्री मिलेंगे। फिर भी एक दिल में आस है कि मिले इनसे। और इसी वक्त एक शख्स हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपना कुछ योगदान दिया और आप लोगों से गुहार लगाया कि प्लीज़ आयांस को बचाइए, प्लीज़ हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।